ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश की सहाड़ा विधानसभा सीट से भाजपा के बागी रहे लादूलाल पीतलिया द्वारा अपना नामांकन वापस लेने के साथ ही सीएम को लिखी पीतलिया की एक चिट्ठी और एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर पीतलिया को डरा धमका कर नामांकन वापस करवाने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने डोटासरा पर पलटवार करते हुए सीएम गहलोत पर निशाना साधा। इससे पहले शुक्रवार को नामांकन वापसी के साथ ही लादूलाल पीतलिया की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा गया एक पत्र तेजी से वायरल हुआ। इस पत्र में पीतलिया ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए लिखा कि नामांकन दाखिल करने के बाद से ही उनके परिवार को परेशानियों व धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपना नामांकन वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा है। पत्र में कहा गया कि उनके बेंगलुरु स्थित गारमेंट के कारोबार को कर्नाटक की भाजपा सरकार ने जबरन बंद करा दिया। इसके अतिरिक्त उन पर दबाव बनाने के लिए उन्हें घर पर भी कई धमकियां मिली हैं। उनके परिवार को राजस्थान के साथ कर्नाटक में भी सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके साथ ही लादूलाल पीतलिया का एक कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन पर नामांकन वापसी लेने का दबाव बनाया जा रहा है। मैं साड़ा विधानसभा क्षेत्र में सेवा करने के लिए निर्दलीय नामांकन दाखिल किया और मेरे परिवार को कुछ दबाव हुआ था, उसके लिए मैं आज फार्म उठाया हूँ और साड़ा विधानसभा क्षेत्र में सेवा का काम करते रहूँगा और गौ माता की सेवा भी करते रहूँगा और साड़ा विधानसभा क्षेत्र में जनसेवक बनकर विधानसभा क्षेत्र में काम करते रहूँगा। साथ ही वे बातचीत में बीते कुछ दिनों से उन्हें मिल रही धमकी का जिक्र करते हुए कह रहे हैं, इन धमकियों के कारण व परिजनों के डर की वजह से बुरा हाल है। हालांकि सीएम गहलोत को लिखी चिट्ठी और वायरल ऑडियो को लेकर अभी तक लादूलाल पीतलिया का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस को उपचुनाव में बीजेपी पर सवाल उठाने का मौका जरूर मिल गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी पर पीतलिया को धमका कर नामांकन वापस करवाने का आरोप लगाया। डोटासरा ने कहा कि नीति और नैतिकता का स्वांग रचने वाली भाजपा को हार का डर इस कदर सता रहा है कि इन्होंने सहाड़ा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी लादूलाल पीतलिया जी को डरा धमका कर उनका नामांकन वापस करवा लिया। बीजेपी ने राजनीति में अनैतिकता की सारी हदें पार करने का बीड़ा उठा रखा है, अब आगे देखो क्या होता है। डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, गोविंद जी, डर तो आपके अशोक गहलोत जी के बयानों से दिख रहा है, जो मतदाताओं को धमका रहे हैं। आपकी गणित बिगड़ गई दिखती है। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, पूंजीपतियों के भरोसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो। आप चक्कर में मत आ जाना, एक बार अपनी पार्टी के बड़े नेताओं का हश्र देख लेना चाहिए। गौरतलब है कि कर्नाटक के व्यापारी लादूलाल पीतलिया ने कुछ समय पहले ही दोबारा भाजपा ज्वाइन की थी। तब कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी पीतलिया को ही टिकट देगी, लेकिन रतनलाल जाट को भाजपा ने प्रत्याशी बना दिया। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी पीतलिया ने बागी होकर चुनाव लड़ा था और 30,000 से ज्यादा उन्हें वोट मिले थे। इस पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि लादूलाल पीतलिया के नाम पर पार्टी ने गंभीरता से विचार किया था, लेकिन सर्वसम्मति से डॉक्टर रतनलाल जाट का नाम तय किया गया। पीतलिया को पार्टी ने कहा है कि पार्टी हमेशा आपका मान सम्मान रखेगी और योग्य जिम्मेदारी देगी। इस आधार पर उन्होंने बिना शर्त के अपना नामांकन वापस लिया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।